अब हम लोग हमारे को मूव ऑन कर रहा हूं मैं, आप सभी लोगों को मैं मूव ऑन कर रहा हूं। अब हम लोग कुछ एक टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं, कुछ एक टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं। और उन टर्मिनोलॉजीज को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक बार डिस्कस, जैसे कि मैंने अभी इनडायरेक्ट मटेरियल केस में किया, पहले मैंने आपको पूरा समझा दिया, देन मैंने आपको कॉपी करने का समय दिया, सेम लाइकवाइज अब मैं करने वाला हूँ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमको सीखनी है, हालांकि मैं उसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए प्राइम कॉस्ट। क्या है अच्छा? प्राइम कॉस्ट। किसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं? सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जब हम टोटल कर लेते हैं तो उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। देन सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको शुरुआत में भी इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी बात कि हम लोग जब टर्मिनोलॉजी समझेंगे तब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। क्या है कॉस्ट ऑब्जेक्ट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, सर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट का उद्देश्य। तो हमारे लिए जो भी चीज जिसकी कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो चीज जिसकी कॉस्ट या तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वाह सर, वो सभी चीजें, चाहे वो प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। जैसे कि सपोज से मेरे को शर्ट, काफी देर से शर्ट बनाई जा रही हो, आपके पास मोबाइल बनाओ सर, सर मोबाइल आपका, अच्छा सर वन प्लस का मोबाइल आपके पास, ओके मोबाइल बना रहे हैं, मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी होगी? अब सपोज से मैं मोबाइल बना रहा हूँ तो मुझे मोबाइल सेल करने से पहले, मोबाइल को सेल करने से पहले मुझे मोबाइल की कॉस्ट जानना जरूरी है, क्योंकि पहले मैं इसकी मोबाइल को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी ये मैं जानूंगा, उसके बाद ही तो मेरे को पता चलेगा कि मेरी क्या, तभी मेरे को पता चलेगी कि मेरी कॉस्ट कितनी आई इस मोबाइल की, तभी मैं उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा, तभी मेरा प्रॉफिट निकल पाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर आपके लिए कोई प्रोडक्ट है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा सपोज, सपोज अब ध्यान सुनना, मेरे को किसी ने कोई, मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो इन प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, तो मेरे को सपोज से किसी ने कहा, मेरे क्लाइंट ने कहा कि सर आपके पास तो हर एक स्टाफ रहता है, सीए का भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, अकाउंटेंट्स भी हैं, आपके पास सब कुछ रहता है, सर आप एक काम कीजिए, आपके जो अकाउंटेंट है ना उसमें से एक अकाउंटेंट को प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल भेज देंगे सर। उन्होंने पूछा कि क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा आपको मैं आधे घंटे में कॉल करके बताता हूँ। मैंने कहा आधे घंटे में मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। अब मैं आधे घंटे में क्या करूंगा? मैं आधे घंटे में कैलकुलेट करूंगा कि मेरा स्टाफ जो अकाउंटेंट है वो मेरे यहाँ पर आता है 7 घंटे के लिए, वो मेरे यहाँ आता है 7 घंटे के लिए, और टोटल वो मेरे सपोज से महीने में 20 दिन आता है, तो 20 दिन आता है तो मेरे कितने घंटे हुए टोटल? 7 दिन पर डे, 7 आवर्स पर डे, ऐसे वो 20 डेज आता है, तो दैट मीन्स वो टोटल 140 आवर्स के लिए आता है। कितने के लिए आता है? 140 आवर्स के लिए आता है। 140 आवर्स के लिए सपोज से वो मेरे से 14,000 सैलरी लेता है। कितनी लेता है? चलो वो सपोज से मेरे लिए 14,000 रुपीज सैलरी ले रहा है, तो 14,000 सैलरी ले रहा है 140 आवर्स के लिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे लिए उसकी पर आवर कॉस्ट 100 रुपीज है? उसकी पर आवर कॉस्ट मेरे लिए 100 रुपीज है। तो अब मैं हाफ एन आवर बाद उसको फोन करूंगा कि मैंने कहा सपोज से उनका नाम राहुल है, मैं कहा राहुल जी आपने कितने घंटे के लिए अकाउंटेंट चाहिए? उन्होंने कहा सर 2 घंटे के लिए। अच्छा सर 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज करूंगा सर, मैं आपसे 500 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने उस पर्सन की कॉस्ट निकाली, उस पर्सन की कॉस्ट 100 रुपीज पर आवर थी, 2 घंटे की 200 रुपए की कॉस्ट थी। मैंने मेरे क्लाइंट को 500 रुपए पर डे के हिसाब से बोल दिया कि पर डे 2 घंटे आएगा, तो 200 रुपए तो मेरी कॉस्ट ही आ रही है, फिर मेरे को उसको भेजना भी पड़ेगा, लाना भी पड़ेगा, तो आने जाने का जो है उसमें भी पेट्रोल का भी खर्चा लगेगा मेरा, सपोज से 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा, और 200 रुपए मैंने मेरी खुद के, मैंने 200 रुपए मेरे खुद के प्रॉफिट जोड़ लिया। इस तरह से मैंने उसकी प्राइसिंग कर दी। तो इसका मतलब मैंने उस पर्सन के लिए कॉस्ट डिसाइड करी। क्या करी? उस पर्सन के लिए कॉस्ट डिसाइड करी। सपोज आज मैंने बुक आई, आज मैंने बुक को मैंने प्रिंटिंग के लिए दिया, तो इसमें उसने बुक को डिजाइन भी किया, इसमें उसने बुक का कवर पेज भी बनाया, इसको बुक वाले से उसने बाइंड कराया, उसने बुक वाले से इसके प्रिंटआउट निकाले, तो ये सारे काम उसने किए। ये बेसिकली एक उसके लिए जॉब था, मैंने उसके लिए ये एक प्रकार से उसको एक जॉब दिया कि आपको ये जॉब है, आपको जॉब प्रोसीड करके मेरे को बताना है कि क्या कॉस्ट है। तो उसने उठाई वापस कैलकुलेटर, अच्छा सर, जो कि नॉर्मल पार्लेस में ऐसा ही हुआ है, उसने मेरे को बोला सर आपका जो कवर पेज है सर वो आपने दोनों तरफ प्रिंट आउट कराया, तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा प्लस इतना मोटा आपने पेज लिया है तो उसका खर्चा तो सर आपके 80 रुपए, मैं एक्चुअल कॉस्ट बता रहा हूँ, 80 रुपए तो सर आपके इसका कवर पेज का डिजाइन और कवर पेज का जो कलर प्रिंट आउट निकाले हैं उसके खर्चे हैं 80 रुपए। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बुक के अंदर 300 पेजेस हैं, तो 300 पेजेस के का मतलब हो गया सर आपके लिए 120 रुपीज आपके इसका जो है वो इसकी प्रिंट आउट के लिए। मैंने कहा ठीक है, 120 प्लस 80, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर 200 रुपीज हो गए, प्लस इसका जो हमारे लिए जिससे हम बाइंडिंग कराएंगे वो पर बुक बाइंडिंग के हमसे 60 रुपीज लेता है, तो ऐसा करके 260 रुपए की सर ये हमारी कॉस्टिंग आएगी, हम आपसे कह के ले रहे हैं हम आपसे 300 रुपीज देंगे, जो कि एक्चुअल कॉस्ट थी मेरी इस बुक की, मेरी इस बुक की एक्चुअल कॉस्ट मेरे लिए 300 रुपए पड़ी। ऐसे हम लोग 3 मॉड्यूल देते हैं, ऐसे हम लोग 3 मॉड्यूल देते हैं, बच्चों को लगता है कि हमारी कोई कॉस्ट नहीं है,
ऐसे हम लोग तीन मॉड्यूल देते हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है और दूसरा मॉड्यूल है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए रहता है, और तीसरा मॉड्यूल जो है हमारे लिए वो थियरी कम एमसीक्यू का मॉड्यूल रहता है। तो तीन मॉड्यूल हमारे यहाँ रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये उसने जो किया, ये उसने उस जॉब की कॉस्ट निकाली। तो यहाँ पर ये जो जॉब है ना, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वो अकाउंटेंट जो पर्सन है जिसको मैं भेज रहा हूँ, यहाँ वो पर्सन मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये जो शर्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ये शर्ट मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कब कभी कभार मेरे को सपोज से मेरे को ये पता करना है कि मेरा रिसर्च स्टाफ है, मेरे को मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा आपको 50,000 रुपये अलॉट किए जाते हैं, आपको 50,000 रुपये खर्च करने हैं रिसर्च स्टाफ के साथ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रिसर्च स्टाफ की पूरी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। उसने कहा कि सर आपने तो 50,000 दिया, मेरी तो कॉस्ट ही 60,000 आ रही है रिसर्च की, सर 60,000 से कम अलाउड मत करो, 60,000 तो एटलीस्ट हमें रिसर्च स्टाफ के लिए दो ही दो। तो ये जो डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाली हमने, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर अस, तो वो भी हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये तो ही सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात है। फिर आते हैं तीन तरह की चीजों पर, तीन पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है उसमें, पहला पॉइंट है सर, तीन तरह के सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन तरह के सेंटर्स पाए जाते हैं। पहला कॉस्ट सेंटर, दूसरा प्रॉफिट सेंटर, तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये तीन अलग अलग तरह के सेंटर्स होते हैं सर। ये अलग अलग तरह के सेंटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मैंने कहा सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा कोई सेंटर है जिसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही समझाया आपने। आप सभी लोग कॉलेजेस जाते हैं, आप सभी लोग कॉलेजेस जाते हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप लोग सपोज बीकॉम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? कोई भी दिक्कत आती है तो क्या उठते पहले सीधा डीन के पास, सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज के पास पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं? या आप पहले, आपके लिए पहले आप उस अपनी क्लास टीचर से बात करते हैं, वो भी नहीं सुनता है तो हम लोग हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, जिसे हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं, हम उनके पास जाते हैं। फिर वो भी नहीं सुनते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज के पास जाते हैं। फिर वो भी नहीं सुनते हैं तो हम डायरेक्टर के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर सर के पास जाते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चों के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को असाइन कर दे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो व्यक्ति ही रेस्पॉन्सिबल होगा उस डिपार्टमेंट के कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डिपार्टमेंट, वो तरह जो हमने असाइन किया गया है, तो वो डिपार्टमेंट उसके लिए कहलाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे कि मैनेजर, हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया, जो कि सपोज से आप मेरा टाटा प्रोफेशनल एकेडमी का मेरा सेंटर है, कहाँ का सेंटर है? मैंने सपोज से मैं जयपुर से पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक दिल्ली में सेंटर डाला, और मैंने सपोज से मिस्टर मनीष को उसके लिए अपॉइंट कर दिया कि मिस्टर मनीष यू विल बी द वन हु विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर डेली सेंटर, डेली सेंटर आप संभालेंगे। तो डेली सेंटर वो संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, यहाँ से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी कॉस्ट लगेगी, मैं आपको सब बता दूंगा। तो वहां पर उन्होंने स्टाफ रखा, कॉस्ट लगी। वहां पर उन्होंने कोई भी स्टेशनरी आइटम रखा, उसकी कॉस्ट लगी। वहां का बिजली का बिल कॉस्ट है, वहां की रेंट लगा, वो कॉस्ट है, तो वो एक कॉस्ट भी लग रही है। दूसरा एक सेगमेंट है, अब वो वहां से मेरी क्लासेस भी सेल करेंगे तो वहां से प्रॉफिट भी कमा के देंगे। तो वो वहां पर इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो वहां पर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से मेरी कॉस्ट भी लग रही है और मेरा सेल्स भी हो रही है, मेरे को रेवेन्यू भी हो रहा है। एक सेगमेंट है जहां पर, दूसरा सेगमेंट है, मैंने कहा सपोज से मिस्टर, अबकी बार हर बार मिस्टर ही क्यों, फीमेल स्टाफ को भी क्यों सपोर्ट ना किया जाए। सपोज से मैंने मिस प्रिया को अपॉइंट किया मेरे यहाँ पर, मैंने मिस प्रिया को कहा प्रिया जी आप ना मेरी बुक्स का मैनेजमेंट देखेंगे, आप मेरी बुक्स का मैनेजमेंट देखेंगे। सर बुक्स का मैनेजमेंट में क्या देखना है सर मेरे को? तो मैंने कहा आप बुक्स के मैनेजमेंट में केवल और केवल प्रिंटिंग सही टाइम पे होके आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप देखेंगे। आप इसके सेल्स को आप नहीं देखेंगे, इसके सेल्स को आप नहीं देखेंगे, आप केवल और केवल इसका क्या देखेंगे, आप केवल और केवल इसकी बुक प्रिंटिंग में क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, वो केवल आप देखेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, जो कॉलेज का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो नियुक्त किया गया था, जो कॉस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कहलाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मिस्टर मनीष जिसको मैंने दिल्ली वाले सेंटर पे दिया है, जो कि मेरे लिए कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट सेंटर। क्या बोलेंगे? चलो प्रॉफिट सेंटर। और जो मिस प्रिया को मैंने काम दिया था, वहां पर क्या मुझे किसी प्रकार की कोई इनकम आने वाली है? आंसर इज नो, नहीं आने वाली। तो जब मेरे को किसी प्रकार की कोई इनकम वहां से नहीं आने वाली है, तो इसका मतलब वहां केवल और केवल मेरे खर्चे ही लगने वाले हैं, वहां मेरे केवल खर्चे ही लगेंगे, वहां से मेरे को इनकम जनरेट होती नहीं है। तो वो मेरे लिए कहलाएंगे कॉस्ट सेंटर। क्या कहलाएंगे? चलो कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ है। अब मुझे एक चीज बताओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जगह पर अगर मैंने कोई खर्चा किया, तो वो मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है कि प्रॉफिट सेंटर है? सर वो कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको रिसर्च करके देगा, उस पर खर्चा लगेगा, लेकिन वहां से कोई आपका रिसर्च जो है वो बिकता नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉस्ट आपकी लगेगी, तो वो आपके लिए कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। मैंने कहा, और दूसरा एग्जाम्पल दो प्रॉफिट सेंटर का, मैंने कहा आप सभी लोग मैकडी केएफसी यहाँ गए होंगे, मैकडी और केएफसी में आप लोग जाते हैं, वहां पर आपने देखा कि यार 20 वेटर लग रहे हैं और 5 शेफ हैं,
रेंट भी लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग वहाँ से परचेज करते हैं, हम लोग पैसे देके आते हैं, वो लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको रेवेन्यू भी हो रहा है। तो वो सभी सेंटर जो जहाँ पर कॉस्ट भी लग रही है, प्रॉफिट भी लग रहा है, दोनों चीजें एक साथ लग रही है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा। एक आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे कि सपोज से हमने घर के अंदर एक पैट रखा, क्या रखा, पैट, डॉगी, डॉगी रखा। कुत्ता बोल देते हैं तो क्या ना, कई जिनके घर में पैट है ना उनको बुरा लगता है, और इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, हालांकि मेरे घर में पैट नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों ने सोचा कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी काम चला लेंगे। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि बहुत बढ़िया एक अच्छा इंसान रख रखा है, जानवर मत समझ लेना मेरे को, नहीं तो वीडियो में घुस के भी मार देता हूँ मैं कई बार, बहुत बुरा वाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने डॉगी रखा, डॉगी को क्या मैं खिलाता ही रहूंगा, इनपुट नो आउटपुट, मतलब आप उस वाले आउटपुट पर मत जाइए, वो वाला आउटपुट नहीं, आउटपुट इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू, क्या वो रेवेन्यू कुछ दे रहा है, नहीं ना। अब मैंने एक गाय रखी, क्या रखी, गाय, काऊ, काऊ या बफेलो रखी, भैंस, मैं गाय और भैंस को मैं चारा खिला रहा हूँ, खर्चा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका दूध भी आता है और दूध को मैं बेचता भी हूँ, तो क्या वो रेवेन्यू भी देते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए डॉगी मेरा कॉस्ट सेंटर है, मेरे लिए गाय जो है जो मेरे को खाती भी है, खर्चा भी लगती है, लेकिन रेवेन्यू भी कमा के देती है, वो मेरे लिए प्रॉफिट सेंटर है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो इस तरह से ये हमारे लिए दो तरह के, तीन तरह के सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जो कॉस्ट सेंटर है ये क्या होता है, ये पर्सन भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके ऊपर लग रही है, या किसी भी प्रकार की कोई लोकेशन हो सकती है जिस लोकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि सपोज से मिस प्रिया की बुक वाला डिपार्टमेंट, वो लोकेशन है मेरे लिए, वो मेरे लिए अपना लोकेशन है। लेकिन अगर मैं किसी पर्सन को ग्रूम कर रहा हूँ, किसी पर्सन को मैं ग्रूम कर रहा हूँ कि नहीं भैया इसको मेरे को काम सिखाना है, इसको मेरे को ट्रेनिंग देनी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या वो मेरे लिए ट्रेनिंग करने के बाद, हाँ वो मुझे आउटपुट अच्छा देगा, लेकिन वो पर्सन है, उस पर्सन की ट्रेनिंग के अंदर, जो ट्रेनिंग का अंदर मेरा जो खर्चा हुआ वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। क्या है बता लो, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। मतलब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर वो खर्चे जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लग रहे हैं, और इम्पर्सनल के अंदर वो खर्चे जो कि मेरे किसी लोकेशन पे या किसी इक्विपमेंट पे लगते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह के ऊपर भी मेरे खर्चे लगते हैं, तो वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर कोई है, कोई भी किसी भी तरह की कोई बिजनेस है, उसके दो सेगमेंट हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन सेगमेंट, एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्चा लगेगा उसे हम प्रोडक्शन कोर सेंटर बोलेंगे, और जो सर्विस पे लगेगा उसे हम सर्विस कोर सेंटर बोलेंगे। ये इस तरह से हम लोगों के दो सेंटर कोर सेंटर में आते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक हमारा कॉस्ट यूनिट भी होता है। सर कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या जब भी कोई हम हमारी सर्विसेज सेल करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो ही काम कर सकता है बिजनेस में, दो ही काम कर सकता है, आइदर या तो वो अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है या वो अपनी सर्विस बेच सकता है। आप अपने आंखें घुमा के पूछ देखिएगा कि आप कभी भी बाहर जाकर के कोई भी खर्चा करके आते हैं, आप बाहर गए, मैं बाहर गया, मोटरसाइकिल मैंने उठाई, मतलब बुलेट, आई हैव बुलेट, बताने की जरूरत, कई बार पब्लिसिटी करते रहना चाहिए, सर मेरे पास बुलेट है, बुलेट इज माई फर्स्ट लव, सर बच्चे पूछते हैं सेकंड लव, मैं कहा वो डिस्क्लोजेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लव जो है मेरा वो है बुलेट, बुलेट मैंने उठाई, मैं बुलेट उठाते ही सबसे पहले क्या हुआ, सर आजकल तो पेट्रोल कितना हो रहा है, सर 100 हो गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, पूरे 100 पे पहुंच रखा है। मैंने बाहर निकला, मैंने पेट्रोल खरीदा, क्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, खर्चा हुआ, मैंने क्या खरीदा, प्रोडक्ट। मैं और आगे गया, आगे जाकर के पता चलता है कि मेरी बाइक जो है वो ब्लड टक 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 बंद बंद हो गई, सेल्फ ले नहीं रही, किक मार लिए, अब बुलेट का किक, अब बुलेट की किक कितने मार सकता हूँ, कितनी ताकत हो, इतना ही बड़ा शरीर हो, बुलेट के 5 किक मारते ही पूरा शरीर ऐसे हो जाता है, अब नहीं मारा जा रहा, फिर मैं क्या करूंगा। अब बुलेट तो ऐसी चीज है, उसको ना तो उससे किक मारा जाए, ना ही बुलेट को उठा करके कोई धक्का देकर के लेके जाया जा सकता, पैदल पैदल तो बुलेट को लेके जाया नहीं जा सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑटो, ऑटो को मैंने रोका, ऑटो वाले को मैंने बोला, मैंने कहा यार भैया बुलेट रखनी है, तो सर कैसी बातें करते हैं, सर बुलेट का वजन मेरी ऑटो ले गया, बुलेट अगर आपने गलती से पीछे बुलेट रख दी तो मेरा ऑटो आगे से फाइन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जा, रोका रुका कर, तो आपने ही तो रोका था, अरे कोई बात नहीं मैं भेज रहा हूँ जा। फिर मैंने क्या किया, एक लोडिंग टेम्पो वाला है, मैंने उसको बोला भैया मेरी ये बुलेट है, मेरे को सर्विस सेंटर पे डाल के आनी है, तो कहा ठीक है सर डाल देंगे, 200 रुपये लूंगा। अब मुझे एक चीज बताइए, उसने मुझे जो 200 रुपये दिए वो प्रोडक्ट सेल किया कि उसने मुझे सर्विस सेल की। नो डाउट मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि उसने उसके अंदर जब वो गया तो उसने पेट्रोल उसका खर्च हुआ, दैट इज द एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस। लेकिन क्या उसने पेट्रोल बेचा, नहीं, उसने क्या बेचा, उसने अपनी सर्विसेज बेची, वो मेरी बुलेट को उठा करके सर्विस सेंटर पर लेके गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं उससे क्या पूछूंगा, मैंने कहा भैया मुझे एक चीज बताओ किराया क्या लोगे, तो बोलेगा कि सर कितना किलोमीटर जाओगे, कहाँ का है सर आपका सर्विस सेंटर, मैंने कहा भैया ज्यादा नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो वो मुझे क्या बोलेगा, सर 50 रुपये लूंगा, मैंने कहा यार 50 रुपये किस हिसाब से ले लो, तो उन्होंने कहा सर देखो ना मेरी जो कोर्स लगती है वो मेरी 5 रुपये लगती है पर किलोमीटर। मैंने कहा पर किलोमीटर, पर किलोमीटर आपको भी कॉस्टिंग आती है, तो कहा हाँ सर कॉस्टिंग क्या करनी है इसमें,
सर कॉस्टिंग सिंपल सी है सर, मेरा पूरे सब महीने का मेरा खर्चा लगता है 10,000, 10,000 किलोमीटर मेरा पूरा खर्चा लगता है, मैं 2,000 किलोमीटर पूरे महीने में चलाता हूँ मेरी टैक्सी को, तो हो गया ना। सर मैंने क्या किया, मैंने टोटल कॉस्ट में मेरे टोटल किलोमीटर जो मैंने चला वो डिवाइड कर दिया, तो सर मेरी ₹5 पर यूनिट पर किलोमीटर तो कॉस्ट आती है, तो सर ₹5 तो कमाऊंगा ना सर, घर पे बाल बीवी बच्चे हैं, छोटे 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 बच्चे हैं, उनको उनका पालना है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको उसने मेरे को ₹10 पर किलोमीटर बोला। अब ध्यान से सुनना ये जो पॉइंट है, इसने जो ये पर किलोमीटर बोला ना, दैट पर किलोमीटर इज कॉस्ट यूनिट, उसके ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए वो कॉस्ट यूनिट थी। क्या थी? कॉस्ट यूनिट थी। आप होटल में जाते हैं, होटल वाला क्या पूछता है, होटल वाला पूछता है कौन सा रूम चाहिए, मैंने कहा डबल बेड वाला। अच्छा सर दो जने हैं, तो सर डबल बेड वाला रूम चाहिए, ढंगी होटल में गया हूं मैं, है ना, अदरवाइज ज्यादा ज्ञान नहीं लगा, है ना, समझदार बच्चे हो ना, अच्छी बातें करते हैं बिगड़े भी बात नहीं करते। अच्छी होटल में गया, मतलब घर के परिवार के सदस्य के साथ गया हूं, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब क्या हुआ, मैंने वहां गया तो उसने मेरे को क्या पूछा, सर कितने रूम लोगे, मैंने कहा डबल बेड वाला रूम चाहिए, सर ₹4,000 पर नाइट, मैंने कहा पर नाइट क्या है सर, पर नाइट पर रूम, मैंने कहा नहीं दो रूम चाहिए, मेरी बीवी से लड़ाई हुई है वो मेरे साथ नहीं सोएगी, वो दूसरे रूम में जाएगी। अच्छा सर, सर डबल बेड ही, मैंने कहा हाँ फैल के सोएंगे, एक पैर पूर्व दिशा में एक पैर पश्चिम दिशा में, पूरा अच्छे से खुल के सोएंगे, डबल बेड चाहिए मेरे को। मैडम बोलती है मेरे को भी डबल ही चाहिए, अब तो चाहे मैं फैल के सोऊं चाहे नहीं सोऊं, मैं खर्चा तो पूरा ही लगा के सोऊंगी, ठीक है भैया दो बैड दो। अगर सर 4,000 × 2, मैंने कहा यार अभी तो आपने बोला था पर नाइट के, अभी अभी तो आपने बोला पर नाइट के 4,000, तो सर पर नाइट के बोला था लेकिन एक रूम का बोला था, अब आप दो रूम ले रहे हो, लड़ाई करके आए हो, नहीं जी आपको दिक्कत नहीं, आप उधर मुँह कर लेना मैं उधर मुँह कर लूँगी, लेकिन एक ही कमरे में रह लेंगे, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, समझदार होती है महिलाएं, महिलाएं समझदार है, पैसा बचाएंगे। तो अब पॉइंट हमारा क्या है, ये जो हमने पर रूम पर किलोमीटर ये जो हमने डिसीजन लिया, इस पर रूम पर किलोमीटर के ऊपर जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, इसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कॉस्ट यूनिट। जैसे कि शर्ट, मैं शर्ट बेचने जाऊंगा तो शर्ट बेचने से पहले मैं शर्ट की कॉस्ट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मैं पहले शर्ट की कॉस्ट निकालूंगा, तो यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पे मेरी कॉस्ट यूनिट क्या कहलाएगी सर, शर्ट। अगर मैं कल को कार मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं फॉर्चुनर बनाता हूँ, फॉर्चुनर बनाता हूँ टोयोटा वाली, तो मैं कार की कॉस्ट निकालूंगा, तो यहाँ पर मेरी जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या कहलाएगी सर, कॉस्ट यूनिट आपकी पर कार कहलाएगी। इस तरह से आप लोगों की पूरी कैलकुलेशन रहती है। फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अब आपको ये क्या करना है, अब आपको करना है कॉपी। कॉपी करने का कार्यक्रम आपके लिए रहेगा, अब आपको फटाफट फटाफट कॉपी करना है। आप लोगों के लिए मैं आपको सॉन्ग्स भी सुनाऊंगा, चिंता नहीं करने का है, आप लोगों के सॉन्ग्स प्ले होगा, लेकिन प्लीज आप लोग है ना, और हाँ ये कैसे भूल जाते हैं, कोस्टिंग आसान है, क्या है, कोस्टिंग आसान है, तो कोस्टिंग है आसान, और इस कोस्टिंग आसान के नोट्स आपको करने हैं कॉपी, फटाफट फास्ट स्पीड में कीजिएगा कॉपी। आप लोग स्क्रीन पर है नोट्स, और अब मैं इसको कर रहा हूं आपके मोड कौन सा, अरे यार सर आप भी दिख रहे हो यहाँ पे, तो आप हटो, ये लो, ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया चालू। अब मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग्स प्ले कर रहा हूँ, आप लोग अपने सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हैं, देन आप लोग करेंगे क्या करेंगे, आप लोग करेंगे मजे, किसके साथ, सॉन्ग्स के साथ और नोट्स के साथ। अब नोट्स को कर लेंगे कॉपी फटाफट, सॉन्ग्स आपके प्ले हो रहा है वहीं से जहां से वो सॉन्ग पहले बाकी रह गया था, अब उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे अब उस सॉन्ग को, चलिए सुनते रहिएगा। बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते, गीत मेरा तले तेरी हार्ट बीट ते, मेरे गीत उत्ते ने शराबी नच दे, हर की जाते नहीं गलास कच दे, हौ फके दे तो मेनू साज सुन दे, साजा विचो कन तेरी आवाज सुन दे, तेरी आवाज विचो तेरा मुंह दिख दे नहीं, तेरे मुंह नू देख देख काका गीत लिख दे, ओ लिस्ट मेरी दे विच सिफ्त तेरी ते है ग्रिफ्त मेरी, तेरी ग्रिफ्त अज दिल है मेरा, मेरे दिल विच इक घर है तेरा, तेरे घर कोल आके बस रुक गी, समझ ना इत्थे मेरी गल मुक गी, जिथे मुक्की उत्थों चलूगी रिपीट, तेरी तेरी आना दा फर्क नहीं पैंदा ठीक ते, बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते, गीत मेरा थले तेरी हार्ट बीट ते, रूह मेरी बैठी तेरे ख्याल च, तेरा ता वजूद लगे खूह च बैठदा, खूह चो बाहर आजा जाने मेरी ए, आजा दरियावां दी करावां सैरी, दरिया तो ओशन दा पुछ के गल्ला कर बीच हेठ बो के पैर, पैर तेरे छूण गियां लहरां आण के, लहरां विच सूरज डुबूगा जान के, डुबद
ਤੈਨੂੰ ਚੜਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਚੋਂ ਮਸਾਲਾ ਮੀਟ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਨੀਟ ਦੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਗੀਤ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇ।
सजी तीजी सीट ते गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते मेरे गीत दसूंगा मैं तेनु तड़पाया सी हीर दी दिल दे सटेरिंग ते कपूर रखोए मकीरी दिलो मैं तेरे लिए दो सुरमा एक हो गया होली वाले दिन तेरा फोन आया सी अगली सवे तेरा आज कर पढ़ना तेरा मेनु पता चल कह लैन दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैन दे लब के बहाने जाने जोड़ ले यराने जाने कड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैन दे मेनू ता ना रोक मैं ता पहली डरपोक मेरा हौसला ना सोख इनू बह लैन दे दिल विच होड़ लगी थोड़ लगी लोड़ लगी यार नू है तेरी दीद दी एड़ा कंजर तरीक देखे मीना देखे वीक देखे काके उड़ीक देखे आउंदी ईद दी मोहब्बतां ने गूड़ियां लेके आऊं चूड़ियां पाइना तिरूड़ियां तू खै लैण दे दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहिंदे जेड़े फस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे ऐर लत्तां पट लक हिक धौण वीणियां तेरियां अदावां सारियां ने खून पीणियां राहां विच साहां विच तेरियां निगाहां विच इश्क तो हीणियां नी जिंदगियां जीणियां आई होप यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, हालांकि मैं इसको बाद में समझाता लेकिन एक बार क्योंकि ये मैंने जो एग्जांपल्स हैं इनको एक बार समझाना पहले उचित समझा। जैसे कि सपोज से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए मेरी कॉस्ट यूनिट क्या रहेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी सर, वो होगी कॉस्ट यूनिट मेरे लिए कार। Likewise, अगर मैं वायर बनाता हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगी सर, कितना मीटर वायर काम आ रहा है, कितना मीटर, तो वो मेरे लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मीटर। कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए यूनिट्स क्या होगी, कॉस्ट यूनिट सर नंबर ऑफ बोटल, कितनी बोटल्स आप बना रहे, टोटल कॉस्ट उसमें नंबर ऑफ बोटल्स का डिवाइड लगा देंगे तो कॉस्ट पर बोटल आ जाएगी। पावर और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट यूनिट होगी किलो वाट आवर्स, क्या होती है किलो वाट आवर्स, कितने घंटे और कितनी वाट ये आपकी यूज हुई। ट्रांसपोर्ट अगर है तो उसमें 10 किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर, और ये वाली चीज हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो कि हम लोग करेंगे। देन होटल, अभी अभी मैंने बोला रूम, कितने रूम और कितने दिन, ये उसकी कॉस्ट यूनिट। लाइब्रेरी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी जितने भी लाइब्रेरी में है। सिनेमा हॉल्स में नंबर ऑफ सीट्स। एजुकेशन अगर की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट की, या अगर मैं आर्ली बेसिस पर कहीं से पढ़ता हूँ तो नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकती है। सीए की ऑडिट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कितनी ऑडिट करा रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट यूनिट हो जाएगी। अकाउंटिंग की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आर्स हमारे लिए हो जाएगी। अब आप इसको फटाफट से कॉपी कर सकते हैं और मैं आपको बैक टू ऑन दैट मोड ओनली, मैं आप लोगों के लिए वापस सॉन्ग प्ले कर रहा हूं और आप लोग यहां से एंजॉय कर सकते हैं। ਬੋਲ ਨੱਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮਥਾ ਤੇ ਅੱਖ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਸੂਰਤ ਬਾਖੂਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਭਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਖੋਰੇ ਕੱਢੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰੰਗ ਅੱਜ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਏ ਚੀਰ ਪੀੜ ਸਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਦੱਸ ਕੀ तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहिंदे जेड़े फस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे ਖਬਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਚਿੱਟਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀ ਮੈਂ ਗਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਪਿੱਟੇ ਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਛੱਡਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਲੱਗੇ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਪਟ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕੁੱਲ ਲਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਰੇਤ ਬਣ ਪੁਰਿਆ ਨੇਰੀ ਗਈ ਚੁੱਲ ਲੱਗੇ ਫੋਰਟਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਰੋਲੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਖੁੱਲ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਚ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਝੀਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਲਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੂੰ ਬੜ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਹੀ ਤੁਲ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੁੱਲ ਲਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਸਾਥ ਦਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੁੱਲ ਲਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਐ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੁੱਸਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਸੂਟ ਤੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਐ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਸਪਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਜਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲਾਂ ਰਾਂਝਾ ਮਹੀਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨੀ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਾਣਾ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਧੁੰਦ ਪਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਧੁੰਦ ਪਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ 2012 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਸੀ ਉਹ NCC ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ ਹੱਥ ਤੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਛਾਪਦਾ ਲਿਖ ਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਪੀ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਸਮੇ ਵੈਸੇ ਓਲ ਦੋ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੀ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਸਮਝਾ ਦੀ ਥੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵਾਪਸ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ताकि आप लोग जब खुद से वापस से रिवाइज करें। लेकिन हाँ, आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद से हैंड टू हैंड रिवाइज करते हुए ही चलिएगा मेरी क्लास में, क्योंकि अगर हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से और अगर हमें बनाना है कोस्टिंग आसान, तो कोस्टिंग आसान बनाने के लिए हमें हैंड टू हैंड साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना ही पड़ेगा। चलिए, ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने क्या, कहाँ से आप लोगों ने कॉपी किया, बहुत लंबा कॉपी किया आज आपने। देखिए, टाइम कॉस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड प्राइमरली टू डिस्क्राइब समथिंग टू विच कॉस्ट आर असाइंड, जिसको कॉस्ट असाइंड हो रही है वो, जैसे कि या एनीथिंग फॉर विच सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, या कोई भी चीज जिसके लिए हम लोग सेपरेट कैलकुलेशन कॉस्ट की बनाते हैं, जैसे कि चाहे कॉस्ट हमारे शर्ट के लिए रहे, चाहे हम लोग किसी पर्सन के लिए रहे, मैंने अकाउंटेंट के लिए लिखा था तो पर्सन था, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे बुक के लिए कॉस्ट निकालता हूँ तो मेरे लिए आपका प्रोजेक्ट है या जॉब है, कोई किसी पर्टिकुलर कस्टमर की कॉस्ट निकालने, कोई एक्टिविटी, कोई डिपार्टमेंट, तो इनको ब्रॉड वे में अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को ब्रॉड वे में बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, जिसके लिए पर्टिकुलर कॉस्ट निकाल रहे हैं वो कॉस्ट सेंटर। और छोटे टर्म में अगर मैं बात करूँ तो पर मतलब कि इंडिविजुअली एक जन की रहेगी तो उसे बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो उसे बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट। और अगर हम वाइडर टर्म में बात करेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग कॉस्ट सेंटर। ठीक है, फिर हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर जाना कि कॉस्ट सेंटर क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज ए लोकेशन ऑफ, चाहे वो आपका कोई लोकेशन हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, या ये ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन, जिसके लिए कॉस्ट असर्टेन की जा सकती है, एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और ताकि हम लोग इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। इट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट डज नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट प्रॉफिट, जो कि डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बनाता है। मैंने आपको बोला था ये बेसिकली वो डॉगी है जो केवल खाता है, इनपुट नो आउटपुट, मतलब रेवेन्यू वाइज, एंड एड्स टू कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ कंपनी, और जो कि आपके कॉस्ट लगाते हैं कंपनी को रनिंग करने के लिए, जैसे कि R&D डिपार्टमेंट है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, आपका लॉजिस्टिक्स सामान को लाने ले जाने वाला हुआ, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जानते हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का मतलब होता है जो सामान को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका कोई भी लोडिंग टेम्पो वाला हुआ, लोडिंग ट्रक वाला हुआ, ये आपके लॉजिस्टिक्स में आते हैं। इनफैक्ट कुरियर सर्विसेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, देन कॉस्ट सेंटर को दो भागों में बांटा हमने, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इम्पर्सन में हमने लोकेशन लिया और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट लिए। ठीक है, देन इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में दो भागों में बांटा, एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक सर्विस कॉस्ट सेंटर। जो प्रोडक्शन है वो डील करेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज कन्वर्ट करेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, शेल्ट स्टिच डिपार्टमेंट, किचन जो कि रेस्टोरेंट है वो, और सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ पर हम लोग सर्विस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में उस प्रोडक्ट के लिए सेवाएं दे रहे होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिसमें R&D डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, डिजाइनिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, एंड सो ऑन। फिर कॉस्ट यूनिट हमने जाना कि कॉस्ट यूनिट क्या है, तो इट इज ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी जिसकी क्या है, वो प्रोडक्ट की हो, चाहे सर्विस की हो, या समय हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे समय मतलब कॉस्ट पर आर निकाली है, कॉस्ट पर सर्विस निकाली हो, कॉस्ट पर शर्ट निकालो तो प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से ये ऑटोमोबाइल का ये सारा मैंने आपको समझाई दिया था। प्रॉफिट सेंटर का मतलब हो गया कोई भी ऐसी ब्रांच या कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि आपके कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जहां से हम लोगों को दोनों चीजें मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो उसका हार्डवेयर डिवीजन भी कॉस्ट भी लगती है वहां पे और प्रॉफिट भी जनरेट कर देती है। सेम लाइक सॉफ्टवेयर भी, बिग बाजार, आप कभी ना कभी ऐसे आउटलेट जरूर गए होंगे जहाँ पे बिग बाजार है, बिग बाजार हुआ, मेट्रो हुआ, कोई रिलायंस का स्टोर हुआ, जहाँ पर हमको हर एक चीज़ें मिलती है, तो हर एक चीज़ मिलती है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें किचन अप्लायंसेज हैं, किचन अप्लायंसेज बनाते हैं तो कॉस्ट लगती है लेकिन बेचते हैं तो प्रॉफिट भी होता है। तो किचन अप्लायंसेज हुआ, अपरेल हुआ, कपड़े भी वहाँ पे मिलते हैं हमारे को, इलेक्ट्रॉनिक डिविजन भी है, कोई जयपुर स्टोर है लिवाइस का या रैंगलर का, तो वो आपको कॉस्ट भी देगा और प्रॉफिट भी देगा। आउटलेट मैकडी का, बर्गर फार्म का, KFC का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, क्योंकि ये खाने की चीज़ है और खाने का मतलब अच्छी वाली चीज़ है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मैंने आप लोग को बता दिया था, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले मैं आप लोगों को अगेन बड़ी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, क्योंकि पहले मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद में आपको समझना है क्या है। अब अगली कुछ क्षणों के लिए आप लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अगली टर्मिनोलॉजी हम जो सीखने वाले हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कॉस्ट ड्राइवर। सर, ड्राइवर उसे बोलते हैं जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी चलाता है उसे हम लोग कार ड्राइवर बोलते हैं, उसे हम लोग बस ड्राइवर बोलते हैं, उसे हम लोग बाइक ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर पहली बार सुना है मैंने। कहा आपने जो कोरिलेट किया ना, ये जो आप लोगों ने कोरिलेट किया है, कार ड्राइवर, बस ड्राइवर, बाइक ड्राइवर, ये ड्राइवर क्या होते हैं? वो ड्राइवर, ये वो लोग होते हैं जो कि बस को चलाते हैं उसे बस ड्राइवर कहते हैं, कार को जो चलाता है उसे कार ड्राइवर कहते हैं, जो बाइक को चलाता है उसे बाइक ड्राइवर कहते हैं, और जो कॉस्ट को चलाता है उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। क्या बोला बच्चा? जो कार चलाता है उसे कार ड्राइवर कहते हैं, जो बाइक चलाता है उसे बाइक ड्राइवर कहते हैं, जो ट्रेन चलाता है उसे ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। बच्चे बोलेंगे सर उसे तो हम वो कौन सा को पायलट या ऐसा कुछ, को पायलट नहीं पता नहीं क्या बोलते, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो बस चलाएगा उसे बस ड्राइवर, जो कार चलाएगा उसे कार ड्राइवर, जो बाइक चलाएगा उसे बाइक ड्राइवर कहते हैं, और जो
कोस्ट चलाएगा उसे कोस्ट ड्राइवर कहते हैं। सर कोस्ट कैसे चलाएगा? मैंने कहा कैसे चलाएगा, अभी चलाते हैं। मैंने कहा सपोज से मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या एक्टिविटी? सपोज मेरे पास एक व्यक्ति बैठा है जो कि मेरी क्लासेस की सीरियल की बनाता है। क्या बनाता है? सीरियल की। सीरियल की मतलब कि जो आप लोगों को क्लासेस एनक्रिप्टेड मोड पे दी जाती हैं, तो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है हालांकि वो, तो लेकिन उसका जो एनक्रिप्शन हम लोग करते हैं उसके लिए हमने एक बंदा बैठा रखा है। उस बंदे का काम है कि एक वीडियो का एनक्रिप्ट ही करता है। अब उसने मुझे बोला कि सर मैं आऊंगा, मैं आपके लिए हर दिन आऊंगा और हर दिन मैं आपके 10 क्लासेस को एनक्रिप्शन कर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 10 क्लासेस को आप एनक्रिप्ट कर जाओगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब पॉइंट क्या है, मैंने उसको बोला कि कितने रुपए लोगे? तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे 50 रुपए एक ही के ले लूंगा, 50 रुपए एक बच्चे की क्लास एक्टिवेट करने की लूंगा। सपोज से मेरे पास 500 बच्चों की क्लासेस मेरे को हर साल देनी होती है। उसने मुझे बोला कि मैं आपसे 100 रुपए चार्ज करूंगा और आपके पर बच्चे के 100 रुपए लूंगा, अब आप देख लो। मैंने कहा ठीक है, तू कितने देर आएगा? तो सर मेरे को तो आधा एक घंटा आना पड़ेगा डेली, क्योंकि अगर मैं आपके 500 साल के हैं तो मैं दिन के तो 2 ही होंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे दिन के नहीं होते, मेरा पर्टिकुलर मंथ आता है, उस पर्टिकुलर मंथ में मेरे 250-300 निकलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासेस तो आपके रिजल्ट के टाइम पर आसपास निकलती हैं। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं उस टाइम पे आपके लिए आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या लोगे? तो उसने कहा 100 रुपए पर एक्टिवेशन। अगर सपोज से 500 की जगह 1000 एक्टिवेशन हो जाएंगे, तो अगर मेरे 500 एक्टिवेशन होते हैं तो मैं उसको 100 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए दूंगा। अगर वो वही बच्चों की हाई डिमांड आई, क्योंकि आज तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चों ने बोला कि यार आज तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हैं, तो हम लोगों को इनकी गाइडेंस और स्ट्रेटजी सब हर एक चीज इनका सपोर्ट मिलता रहेगा ताकि हम लोग भी रैंक पर जा सके, तो हम लोग सर की क्लास लेंगे। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस बिकी और साल के हम लोगों ने 1000 क्लासेस बेची, 1000 क्लासेस। अब मुझे ऐसी बताओ, जहां पर पहले मैं उसको 500 क्लासेस के लिए 50,000 देता था, क्या 1000 क्लासेस पे मैं उसे 1,00,000 रुपए दूंगा? हाँ सर 1,00,000 रुपए दोगे। मैंने कहा सपोज से मेरी 1,500 क्लास आई तो सर 1,50,000, 2,000 आई तो सर 2,00,000, सर 3,000 आई तो सर 3,00,000, 5,000 आई सर 5,00,000, सर 10,000 आई तो सर 10,00,000, सर इससे नहीं, सर इससे नहीं आ सकते, क्यों सर इससे ज्यादा इसलिए नहीं आ सकते ना, क्योंकि सर मार्केट में बच्चे 6,500 तो फाउंडेशन पास किए थे आपकी बार, तो आपके पास सर 6,500 में से 10 से आएगी, सर एक तो प्रैक्टिकल बात किया करो, फेंको मत, दबाग मत करो। मैं ठीक है सर नहीं फेंक रहे। तो इस तरह से कहने का जो मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ एक्टिवेशन था, मतलब जितनी क्लासेस ज्यादा निकलेंगी उतनी ही बार एक्टिवेट करानी पड़ेगी क्लास, उतनी ही क्लास एक्टिवेट करानी पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन जो मेरी यहाँ क्लासेस को एक्टिवेट करेगा उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्टिवेशंस पर। तो ये जो नंबर ऑफ एक्टिवेशन है ना बच्चों, इसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा, एक्टिवेशन कॉस्ट ज्यादा, नंबर ऑफ एक्टिवेशन कम, कॉस्ट कम। जैसे कि सपोज से मशीनरी सेटअप, मैंने पूरे सेटअप को किया रिकॉर्डिंग के लिए, मैं यहाँ पे पूरे स्टूडियो के अंदर लाइटिंग्स लगा रखी है, कैमरा लगा रखा है, मेरा कंप्यूटर लगा रखा है, मेरा लैपटॉप लगा रखा है, हर एक चीज लगा रखी है। लेकिन क्या कब लगती है? जब क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्या है? सेटअप। इसको सेटअप करने के लिए सपोज से मेरी कॉस्ट लगती है 50 रुपए पर सेटअप। अगर मैं 100 क्लास रिकॉर्ड करूंगा तो ये सेटअप कॉस्ट क्या होगी सर? 5,000। 200 करूंगा तो सर 10,000। 300 करूंगा तो सर 15,000। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पर सेटअप कॉस्ट डिसाइड की जाती है। तो जितने नंबर ऑफ सेटअप रहेंगे उतनी ही सेटअप कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आज बच्चे का मेरे पास आया, तो बच्चे का मेरे पास आता है तो मैंने कूरियर वाले से बात किया। मैंने कहा मैं आपको एक रेट दूंगा, आपको हर एक बच्चे को 200 रुपए में कूरियर पहुंचाना है, जो कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। आज ही मैं, अभी जैसे मैं कलकत्ता, एक बच्चे का है, एक बच्चे का कल रात को ऑर्डर आया जो कि मुझे आज ही लगाना है, कल आया तो आज लगाना है, तो हमारा स्टाफ आज वो लगाएगा उसका। एक सिंगल बुक, हमारे 3 मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल में से अभी 2 मॉड्यूल जो है वो इन द प्रोसेस है, 1 मॉड्यूल। लेकिन क्योंकि बच्चे को तो एक एक मॉड्यूल भी भेजना जरूरी है। एक मॉड्यूल भेजने का मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ से 180 रुपीज पर बुक मेरे से डिलीवरी चार्ज लगता है, मतलब कि 3 बुक का मेरा चार्ज लगेगा 540। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास पर बुक अगर 180 रुपए लग रहा है, तो जितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, सपोज से अगर मेरी हर एक बुक 180 में जा रही है, तो अगर मेरी 3 बुक होंगी तो कितने में जाएगी सर? 540 में। 300 होंगी तो सर 2,000 में, 400 होंगी तो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी नंबर ऑफ बुक्स पे डिपेंड करेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने सपोज से मैंने कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस करने के कारण से मेरा इंटरनेट का खर्चा लगता है 2 रुपए पर ऑर्डर। अगर मैं 100 ऑर्डर करूंगा तो सर 200, 500 करूंगा तो 5,000, 1,000 एंड सो ऑन। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस तरह से ये सीन रहता है। अब आप इसको फटाफट से कॉपी कर लें, मैं इसके लिए केवल 2 मिनट का समय दूंगा कि कॉस्ट ड्राइवर किसे कहते हैं इसको। आप चाहें तो मैं इसको आपके लिए फुल स्क्रीन पे भी कर सकता हूं। ये लीजिए, आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पे कर दिया है मैंने, और इसको आप फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा कॉस्ट ड्राइवर को, और मैं खुद डिक्टेट कर देता हूं। आप लोग चाहें तो एनी फैक्टर और एनी एक्टिविटी दैट कॉज, एनी फैक्टर और एनी एक्टिविटी दैट कॉज ए चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण से उस एक्टिविटी की कॉस्ट में चेंज आ जाता है। यहाँ एक्टिविटी से मतलब है इवेंट दैट इनकर्स कॉस्ट, यहाँ पर एक्टिविटी से मतलब उस इवेंट से है
जिसके कारण से कॉस्ट इनकर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत से एग्जाम्पल लिखे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर, सेटअप कॉस्ट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेटअप्स, वो डिपेंड करेगी आपके नंबर ऑफ सेटअप्स पर, इंस्पेक्शन कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर, और क्वालिटी टेस्टिंग है वो डिपेंड करेगी आपके आर्स इन्वॉल्वड इन टेस्टिंग पर, कि कितने आर्स आपने टेस्टिंग की है। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिएगा, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, देन हम लोग हमारे आखिरी तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी क्लास जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भैया। टेलीग्राम पर चैनल का नाम नीचे आप लोगों को आ रहा है, CMA AIR 1 CA CMA आशुतोष लाटा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है CA CMA आशुतोष लाटा AIR 1 CMA फाइनल, सर और कुछ 5-10 जनों के नाम और लिख देते, इतना बड़ा चैनल का नाम लिखा है। मैंने कहा भाई कई बार क्या होती है ना, आपकी पब्लिसिटी जरूरी होती है, तो इसलिए मैंने CA CMA आशुतोष लाटा, कम से कम मेहनत की है इतनी रैंक लाने के लिए, तो कम से कम इतना सा तो बंदा डिजर्व करता है। ठीक है, तो